मैं आकांक्षा चांदना, आप देख रहे हैं हमारा शो खबरिया। आज फिर आपके आगे पेश हुई हूँ एक अनोखी खबर के साथ। क्या आपने कभी ऐसा बर्तन देखा है जिसमें खाना खाने के बाद आपको धोना नहीं होगा और आप उसको ही खा जाइए, जिस बर्तन में आपने खाना खाया है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। 21वीं सदी में सब कुछ मुमकिन है, भले ही आपको ये अटपटा लगे, लेकिन ये सच है। दिल्ली के रहने वाले 36 वर्षीय पुनीत दत्ता अपने स्टार्टअप आटावेयर के जरिए ऐसी ही क्रॉकरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह एडिबल क्रॉकरी है, सिंगल यूज प्लास्टिक क्रॉकरी का सस्टेनेबल विकल्प है। एडिबल क्रॉकरी, जिसे आप एक बार खाना खाने के लिए इस्तेमाल करके बाद में इसे आप खा सकते हैं, अगर ना भी खाएं तो इससे कोई इसे कहीं फेंक दीजिए, तब भी यह पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जानवरों के लिए यह खाना ही होगा, अगर लैंडफिल में जाए तो भी ये मिट्टी के लिए पोषक है। आटावेयर की क्रॉकरी को कई बार लैब में टेस्ट किया गया, फिर गुरुग्राम के एक पब में से ट्रायल किया गया। हर तरह के इस उपयोगी होने की पुष्टि के बाद पुनीत दत्ता ने अपना स्टार्टअप की शुरुआत की। हरियाणा के फरीदाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े पुनीत हमेशा से ही अपना व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार में व्यवसाय के बारे में किसी का कोई अनुभव नहीं था। द बेटर इंडिया को मनीष ने बताया कि मुझे हमेशा से कुछ अपना करना था, इसलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद 1999 में मैंने एक अखबार की एजेंसी ले ली, लेकिन मेरा इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था तो वह काम असफल रहा। इसके बाद मैंने BPO सेक्टर में काम किया। अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक ग्लोबल रिक्रूटमेंट कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ अच्छे पद पर था। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था, उनकी सम्मानजनक नौकरी, कमाई और परिवार सब तरह से संपन्न, लेकिन साल 2013 में वृंदावन की एक यात्रा ने उनके नज़रिए को बिल्कुल बदल दिया। बरसों पहले असफलता के बाद व्यवसाय करने का सपना जो कहीं दब गया था, फिर से उनकी आंखों में चमकने लगा, लेकिन इस बार उन्होंने व्यवसाय सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उद्देश्य निज हित से बड़ा था। बताते हैं कि हम यमुना नदी पर बना पुल पार कर रहे थे, मैंने देखा कि नदी में एक सफ़ेद सी चीज़ बहकर जा रही है। ऊपर गाड़ी से यह बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन जब हमने गाड़ी नीचे लगाई और जाकर देखा तो हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल वह सफ़ेद चीज़ प्लास्टिक थर्माकोल की शीट थी। इसके बाद वह वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गली गली में भंडारे चल रहे हैं। उस दिन पुनीत को हर जगह प्लास्टिक क्रॉकरी के ढेर दिखे। फिर थोड़ी देर बाद लोग चिल्ला रहे हैं कि प्लास्टिक प्लेट्स खत्म हो गई और कहीं मिल नहीं रही हैं। इस सब के बीच पुनीत की एक नज़र साधु पर पड़ी, जिसने पूड़ियाँ ली और उसी पर सब्जी रखकर खाने लगा। उसी पल उनके दिमाग में यह विचार आया, अगर बर्तन ही ऐसा हो जिन्हें खा लिया जाए तो कचरा नहीं होगा। वापस लौटकर कई दिनों तक उनके दिमाग में यह बात चलती रही। आखिरकार उन्होंने इस बारे में अपनी रिसर्च शुरू कर दी। बहुत से ऐसे एडिबल चीज़ों के बारे में पढ़ा और समझा जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने आटे के साथ अपनी कोशिश शुरू की। सबसे पहले कटोरी बनाने के लिए पहल की। आटे को कटोरी का आकार देना तो संभव है, लेकिन इसमें मजबूती कैसे लाएं? इस बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। उन बताते हैं कि एक दिन वे कुतुब मीनार घूमने गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक टूरिस्ट गाइड कुछ विदेशी पर्यटकों को इमारतों के बारे में बता रहा था। मैंने उसे कहते हुए सुना कि भारत में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं जो जिनका निर्माण गुड़ से हुआ है। गुड़ से इमारत को मजबूती मिलती है। मैंने भी गुड़ का इस्तेमाल करने की सोची। इसके बाद मैंने अपने सभी ट्रायल्स आटे और गुड़ के साथ किए। सालों की रिसर्च और ट्रायल के बाद आखिरकार मैं आटे और गुड़ के एडिबल क्रॉकरी बनाने में सफल रहा। मैंने इसके कई सारे लैब टेस्ट किए। हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुनीत दत्ता ने अपना पेटेंट फाइल किया। पेटेंट मिलने के बाद उन्होंने अगस्त 2019 में अपना स्टार्टअप आटावेयर शुरू किया। आटावेयर मतलब आटे का बर्तन। पुनीत आटे और गुड़ से कप, गिलास, कटोरी, चम्मच, स्ट्रॉ, अलग अलग आकार की प्लेट्स, पैकेजिंग कंटेनर आदि बना रहे हैं। उनके द्वारा तैयार एक किट में 63 प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट्स की खासियत यह है कि पूरी तरह से जैविक, प्राकृतिक और खाने योग्य हैं। यदि इस कटलरी को खाया भी ना जाए तो यह 3 दिनों में डीकम्पोज हो जाती है। पुनीत बताते हैं कि उनके लिए स्टार्टअप करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें फंडिंग के लिए कोई कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी। पुनीत कहते हैं कि उन्हें पता था कि वह सही दिशा में काम कर रहे हैं, अगर वह यह ट्राई ही ना करते तो यहाँ तक पहुँच ही ना पाते। उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था कि अगर वह फेल हो भी गए तो उन्हें हुनर और ज्ञान अपने लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे।
आज उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर यूके में भी है और भारत के शहरों के अलावा वह सऊदी, कतर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, श्रीलंका, सिंगापुर जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट्स भेज चुके हैं। यह खबर यहीं तक। इसी तरह की सकारात्मक खबरों को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। प्रणाम।